गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ अलग सा लाया हूँ। अभी मैं बताना चाहूँगा कि भी हाल में ही, रिसेंटली ही, एक या दो दिन में अभी पहले आपने मदर्स डे मनाया। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि ये क्या है, एक दिन का प्यार, स्टेटस लगाना, डीपी लगाना, फ़ोटो लगाना, शेयर करना, उनके सम्मान में कुछ लिखना। लेकिन थोड़ी देर बाद एकांत में बैठकर सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, वो एक दिन का प्यार नहीं है। वो प्यार तो हर व्यक्ति के जीवन में अपनी माँ के लिए हर एक सेकंड है, लेकिन हम उस प्यार को एक स्पेशल दिन का नाम देते हैं। हम अपने प्यार को उजागर करते हैं। तो मैं कुछ पंक्तियाँ लाया हूँ, कुछ जो मुझे आभास हुआ या जो मुझे फील हुआ। शायद ये मेरा अतीत हो सकता है, या फिर शायद मेरा ये मेरा विचार हो सकता है, मेरी कल्पना हो सकती है कि हाँ ऐसा हुआ होगा। आपने माओं के बारे में कविताएं सुनी होंगी कि जो बच्चे के जन्म के बाद क्या होता है, लेकिन मेरा, मैंने जो कल्पना की है वो मेरा, मैं जब अस्तित्व में भी नहीं आया, मतलब अस्तित्व में आया, दुनिया में मैंने कदम नहीं रखा, उसके पहले की भावना है मेरी। तो थोड़ा सा अलग होगा, तो मैं रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं डिफ़ाइन करूँगा माँ, यानी कि मीन्स है इसका मदर। मदर से अकॉर्डिंग मैंने बनाया है, मिलियन थिंग्स सी गेव मी, मिलियन थिंग्स जो मुझे देती हैं वो, ओकेजनली एंगर विद अ डीपली लव, कभी कभी गुस्सा आता है उन्हें, विद डीपली लव, गुस्से में भी जो है वो छुपा हुआ लव है, ट्रू ऑलवेज नो डाउट, हमेशा वो सही होती है। दूसरे के नज़रिए से लगेगा कि नहीं वो उस कंडीशन में गलत है, लेकिन आप उसकी कंडीशन के अनुसार देखेंगे तो वो आपको गलत नहीं नज़र आएगी, कभी नहीं। हार्ट ऑफ प्योरेस्ट गोल्ड, उसका जो हृदय है वो सोने, शुद्ध सोने से भी ज़्यादा प्योर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसी असाधारण कि आप कल्पना नहीं कर सकते। रेस्पेक्टिव या रेस्पॉन्सिबल एट ऑल टाइम, हर समय जिम्मेदार, अपने लिए, दूसरों के लिए, हर एक चीज़ के लिए। एक नाकाम कोशिश की तरह प्यार को मैं शब्दों में पिरोने की उधेड़ बुन में लगा हूँ। एक नाकाम कोशिश की तरह प्यार को मैं शब्दों में पिरोने की उधेड़ बुन में लगा हूँ। वैसे तो मेरे हाथ कांप रहे हैं कि यह क्या कर रहा हूँ मैं। अरे जिस ममता का, जिस हृदय स्पर्शी प्यार का कोई मूल्य ही नहीं है, उस बहुमूल्य भावना को आज मैं चंद पन्नों में उतार दे आ रहा हूँ। मैं मान लूँगा खुद को दोषी और समझूंगा कि तेरे इतना पढ़ाने पर भी अनपढ़ रह गया मैं। अगर उतार दिया पन्नों पर आज तेरी ममता को, तो समझूंगा कि बहता आ रहा समाज जिस धारा में, उसी दिशा में बह गया मैं। लेकिन माँ, शुक्रगुजार हूँ मैं तेरा कि मुझे पता है दिशा गलत है मेरी, पर औरों जितनी नहीं, पर तेरे स्नेह, प्यार एवं लगाव की सीमाओं को लांघ जाऊँ, करूँगा कोशिश उतनी भी नहीं। दुनिया को जो दिख रहा, करूँ उस प्यार का बखान मैं, उस भीड़ में शामिल होना मेरा कोई इरादा नहीं। तुझे जान पाऊँ मैं तुझसे अधिक, इतना भी पढ़ लिख गया मैं ज़्यादा नहीं। अब वो मेरी पंक्तियाँ हैं जो मैंने कल्पना की है, वो क्या है समझिएगा इनको। वो पल, वो एहसास तेरे लिए खास होगा, जब मैं, मेरा पहला अंश तेरे पास होगा, होगी खुशी चेहरे पर तेरे, पर अंदर ही अंदर मुझे खो ना देने का डर आभास होगा। हर सवेरे जहाँ तेरा हाथ आँखों को मिलता था, आज वो मर्म स्पर्श मेरे घर तेरी कोख के पास होगा। तेरी नींद पूरी हो ना हो, पर मुझे नींद में सोता ध्यान कर तुझे ताजगी का एहसास होगा। तेरा नाम ये रखूँगी, ये पहनाऊँगी, इसी बड़बड़ाहट में दिन गुजरते होंगे माँ तुम्हारे। कितना भी दुख होगा उस वक्त जीवन में तुम्हारे, पर मेरा ध्यान आते ही चेहरे पर मुस्कुराहट का ताज होगा, मुस्कुराहट का ताज होगा। तू हर रोज़ अपनी उंगलियों पर मेरे आने के दिन गिनती होगी, सलामत रहे मेरा लाल मेरा कलेजा, ऐसी प्रभु से विनती होगी। खाती थी तुम सेब संतरा प्रोटीन विटामिन, क्योंकि तुझे मेरे भी खाने का एहसास होगा।
मुझे पता है कि पापा बेवजह ही तुमको सीख दिया करते थे, ध्यान रखा करो, धीमे चला करो। लेकिन जब दोनों लोग साथ बैठकर तुम्हारे पेट पर हाथ फेरते होंगे तो शायद उस वक्त मुझे भी अपने ईश्वर का एहसास हुआ होगा। जब मेरे दिन नज़दीक होंगे दुनिया को देखने पर, उससे पहले ही तुझे मेरे आने का आभास होगा। रोता हूँ आज जब तो आंसू निकलते हैं तेरे भी, रोता हूँ जब आज मैं तो आंसू निकलते हैं तेरे भी, पर उस वक्त मेरी किलकिलाहट में रोना वो भी तेरे लिए खास होगा। उठाया होगा गोद में जब मुझे, उठाया होगा गोद में जब मुझे, तो तेरा कलेजा मेरे पास होगा। मुझे तो बस ममता स्नेह एवं प्रेम, मुझे तो बस ममता स्नेह एवं प्रेम, पर तुझे उस वक्त स्वर्ग सा एहसास होगा, स्वर्ग सा एहसास होगा, स्वर्ग सा एहसास होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया ना है, लेकिन आप इस पोएम को पढ़ते ही कल्पना में ज़रूर चले जाएंगे, मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। चलिए, थैंक यू।